तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये जो हीरो की बाइक है, अच्छा बाइक, इसमें बहुत बड़ा एक फोल्ड है। को क्या फोल्ड है आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ। इसमें चलते चलते अचानक लाइट गायब हो जाता है, चलते चलते अचानक लाइट गायब हो जाती है। जैसे ही बाइक चल रहा है, हेडलाइट गायब। फिलहाल तो अभी चल रहा है लाइट, बाइक चल रहा है, फिर चलते अचानक गायब हो जाता है। थोड़ा दूर चलता है तो गायब हो जाता है, कस्टमर हो गया परेशान। तो हम भी इधर हेडलाइट सब खोले यहाँ, जैसे कि दोस्तों अभी तो फिलहाल आपको दिखा दिए जल गया लाइट, लेकिन चलते चलते अचानक ही बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो क्या फॉल्ट है आपको दिखाना पड़ेगा इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो कटिंग हो जाता है तार वार, तब भी कटता है, तब ऐसा फॉल्ट आता है चलते अचानक बंद, जैसे हैंडल घुमाए बंद हो गया, तो यहाँ का फॉल्ट है आपका। सबसे पहले हम क्या किए, मैग्नेट को यहाँ पर खोलें और चेक करें, चेक किए हैं, यहाँ पर पानी घुस जाता है, इसी कारण से भी वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है लाइट, लाइट गायब हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाता है। और जानते हैं तीन चार को मैकेनिक हो गया था परेशान, इसे लाया। चलिए हम देखा वीडियो, सोचे कि वीडियो बना लेते हैं आप लोग के वास्ते के लिए, तो चलिए वीडियो इसलिए बनाते हैं। तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों, आप वीडियो को कम्प्लीट देखें तब आप समझ में आएगा क्या फॉल्ट है क्या नहीं। तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि हम मैग्नेट को खोलें तो देखें, तो यहाँ भी पानी नहीं निकला, यानी कि यहाँ मेरा ठीक है। तो इधर जाए, क्योंकि जब हम खोलें यहाँ धान वान रखा हुआ था, वो कपड़ा वपड़ा तो निकाल दिया, सोचो कि चूहा हुआ काट दिया होगा रेगुलेटर के पास। तो रेगुलेटर भी अच्छा से चेक किए हम, तो देखे नहीं कटा वटते नहीं है। तो चलिए अब कहाँ चेक करते हैं और क्या फॉल्ट है और चलते चलते क्यों बंद होता है। और चार को मैकेनिक हो गया परेशान दोस्तों, दो तीन को, चार को मैकेनिक, एक और नहीं चार को मैकेनिक। और हमको कैसे चेक करना है अभी बताते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम आपको बता दिए, जो मैग्नेट हम चेक कर लिए, और हमको चेक करने से पहले और भी चेक करना है। अभी तो फिलहाल लाइट जल रहा है, सबसे पहले हमको बैटरी कनेक्शन खोलना है। बैटरी कनेक्शन खोली हमको देखना है किस प्रकार काम हो रहा है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम बैटरी कनेक्शन खोल लेते हैं। चलिए मेरा नीटो लाइट यहाँ पर देख सकते हैं गायब हो चुका है, जैसे कि अभी बाइक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी लाइट गायब होने का नाम ही ले रहा है, तो आपको हम कंप्लीट ही दिखा देते हैं इस वीडियो में कि लाइट गायब नहीं हो रहा है। कभी कभी चलते चलते अचानक ही लाइट गायब इसका हो जा रहा था बाइक का, तभी गायब नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका रिले का फॉल्ट था। तो रिले हम दो तीन बार निकाल चुके हैं, जब रिले हम लगाते थे तो बाइक के टायर बंद हो जाता था, तो दो तीन बार निकाल के सोचे कि वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे तो जा ही नहीं रहा है दोस्तों, क्या बोले हमको। ये तो लाइव टेलीकास्ट हम दिखा देते हैं इस वीडियो में, जो किस तरह मेरा लाइट चल जा रहा था। तो फिलहाल लाइट आ गया, तो हमको रिले इसमें चेंज कर देना है, न्यू रिले हमको लगा देना है। और जब भी चेक करना है हमको, बैटरी खोल के चेक करना है और न्यू रिले लगा देना है। रिले में फॉल्ट था दोस्तों, सेल्फ रिले हमको चेंज करना है। उसके बाद मेरा लाइट गायब नहीं होगा, बिल्कुल लाइट जलते रहेगा। तो देख सकते हैं अभी गायब नहीं हो रहा है, तो बार बार दिखा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही दिक्कत कर रहा था, कस्टमर हो गया था पूरा परेशान, और दो तीन को मैकेनिक हो गया था फेल, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल्ट था। तो हम लोग अच्छा तरह से खोजे, इसके बाद पता चला दोस्तों, लेकिन अभी गायब होने का नाम नहीं ले रहा, तो दिखाते हैं आपको कम्प्लीट। चलिए सब, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।